ये हम लोग एंटर कर रहे हैं एकदम, क्या रास्ता है बेबी, बहुत ही सुंदर। ओह आई कैन सी अ लेक। हाँ लेक व्यू तो है हमारा, एकदम लेक के सामने टेंट है हमारा। हाँ है? हाँ गहरी है क्या ये लेक? तुम्हें जाना है क्या अंदर मच्छी पकड़ने? नहीं नहीं बच्चों को लेके जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बच्चे तो हरिद्वार पहुंच जाएंगे। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक सेकेंड रुक जा कैंडी। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं खपोली। खपोली नाम आप लोगों ने शायद पहली बार सुना हो, लोनावला से थोड़ा पहले पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही नेचर के करीब जगह है और हम लोग वहां पर रहने वाले हैं ग्लैम्पिंग टेंट में। टेंट तो आपने सुना होगा, ग्लैम्पिंग टेंट होता है थोड़ा सा ग्लैमराइज्ड वर्जन ऑफ द टेंट। तो टेंट का ग्लैमराइज्ड वर्जन होता है और उसमें गाड़ी में बैठ के ब्लॉगिंग कर लेना। क्या गाड़ी में बैठ के कर लेना, इसको उठा लो। किसको? देखो पानी इधर आ, पैर गंदे हैं ना इधर। और वो मेरा मग दे दो दीदी तक। बैठो तुम, जाओ बैठो। पानी आगे ले ले क्या? हाँ पानी आगे ले ले। इनका खाना है ना ये सीधा वहीं निकलेगा ना अब। अरे चलो इधर छोनी, पानी नहीं दे रही। चले ऐसे कैंडी जगह दे मेरे को। हाँ चलो जी। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं दो दिन के लिए अपने बच्चों के साथ, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। कम से कम हमें यहाँ से निकलने का मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सो रेस्ट भी आई रियली डोंट नो कि कैसी जगह है क्या है वो इसको पता है, बट होपफुली सब कुछ अच्छा ही होगा। बारिश में सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन मैं यहाँ से निकलने के लिए बहुत उत्सुक थी और हम लोग निकल गए। एक्चुअली मुझसे ज्यादा अविनाश था और मेरे पसीने शायद आपको बता रहे होंगे कि इस व्लॉग शुरू करने से पहले क्या क्या झेलना पड़ा है। एक्चुअली इनको सेटल करना ही बहुत मुश्किल बात है। गाड़ी के अंदर सामान के साथ इन दोनों, इन लोगों को सेटल करना बहुत मुश्किल है। इनमें प्लस यू सबसे ज्यादा सेटल करना तुमको मुश्किल है। तुम ना हो तो आराम से हो जाए सब, पता है। मैंने क्या किया सर? तुम ही लेट करती हो। मैं लेट करती हूँ सब कुछ, बेबी पैकिंग से लेकर सारी चीजें। वही तो मैंने करी है। ये क्या झूठ बोल रही थी, पकड़ी गई बीच में खुद ही ना, तुम्हारी आवाज ऐसे हो गई, झूठ बोल रही थी इसलिए। अरे वाह चेरी, आज तो एकदम शरीफ बच्ची की तरह बैठा है। सुधर गया क्या या अभी थोड़ी देर में औकात दिखाएगा? ऊपर नहीं दिखा रही थी, ऊपर इसने क्या हंगामा किया है। तो कोको ठीक बैठा देखना दीदी। कोको सही है, कोको मस्त है अपना। बस अब मेरा यहाँ से एक थोड़ा सा जद्दोजहद वाला काम है, सिर्फ एक जद्दोजहद है जिसके लिए अविनाश को उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैं उतरी तो सब गाड़ी हिल जाएगी पूरी की पूरी। कॉफी भरवानी है इसमें, इसमें कॉफी भरवानी, इसमें लाल बादशाह में। यार अभी उनको सेटल होने दो, गाड़ी चलाते ही कॉफी भरवाने लगोगी तो वो चीख चिल्लाने लगे। चलाते ही तो नहीं भरवा रही ना, चलाते ही नहीं भरवा रही, आगे जाएगी। अरे वो देखो हमारे घर के पास क्या हो रहा है, देखो सर्कस। हाँ बेबी ये बच्चे कैसे कर लेते हैं यार, मेबी इट्स नॉट इजी यार। अरे बहुत मुश्किल है, गिर जाए बच्ची तो देखो वो आगे पीछे हो रही है। मैं तो पहला कदम लेते ही उल्टा जाऊँ ना, मेरे ऊपर तो वो रस्सी और वो लकड़ी टिकेगी भी नहीं मेरे बार पे। तुम तो वो हो ना जिसके ऊपर बैलेंस किया जाता है। बेबी उसकी पीछे वाली की BALL आई हो? हाँ बहुत सारी BALL है, इसके लिए TOYS है। किसके लिए? इसके लिए। ये क्या करेगी उसका? नहीं TOYS से खेलेगी। ये कहाँ खेलती है यार, हाथी है ना, और बाकी भी वहाँ पे डॉग्स है ना, तो अगर खेलेंगे तो मैं BALL काफी सारी लेके आई हूँ इस बार। हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर दो डॉबरमैन भी है उनके, तो अगर वो फ्रेंडली हुए तो अच्छा है, वरना फिर दूर दूर रखना पड़ेगा इनको, वरना फिर भोजन बनेगी, वरना कैंडी उनका भोजन बन जाएगी। बेबी तुम कितनी एक्साइटेड हो टेंट में रहने के लिए? बहुत एक्साइटेड रहती हूँ इन चीजों के लिए, किसी भी अलग चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। बस ये एक हो जाता है ना कि मेरा पति गाड़ी नहीं चला पाता है लंबी। नहीं नहीं पति चला लेगा, तुम एक बार मौका दो। मौका आखिरी मौका नहीं देता, वो आखिरी होगा। मैंने देखी है बेबी तुम्हारी ड्राइविंग एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, जिस तरह की तुम गाड़ी चलाते हो। लाइक भाई इवनिंग तक तो हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। देखो अब जब तक टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो कैसे बताएगा ना कि तुम्हारा टैलेंट देखा है बेबी, भर भर के देखा है। और तुम जो इतना एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट की बात कर रही हो, तुम्हारे मुंह पे एक कौड़ी का एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, पता है? नहीं वो तो अभी बाल भी गीले हैं, मेरे को अभी कॉफी मिल जाएगी ना, देन देखो तुम कैसे मैं हवा में उड़ाती हूँ गाड़ी। नहीं नहीं हम जमीन पे ही चलें तो अच्छा है। जमीन पे वो लोग चलते हैं जिन्हें जिन्हें आसमान से पटक दिया जाता है। नहीं नहीं फिर जिन्हें आसमान की खुशी ख्वाहिश नहीं होती, हम लोग तो वो हैं जो तारे भी जमीन पे ले आए। मैं एक शायराना अंदाज में कुछ बोलना चाह रही थी, तो इसमें ना ही शायराना कुछ था ना ही कोई अंदाज था। हम लोग पहुंच चुके हैं कॉफी शॉप के बाहर और अविनाश जी जाएंगे और मेरे लिए कॉफी लेके आएंगे। तुम्हें अपने लिए भी लेनी है तो ले आओ ना, ये तो लोहा लक्कड़ लगाया हुआ बंद है, साइड से खुला है। इधर आ मेरे पास गोदी में आ जा। चल क्या लेना है तुम्हारे लिए? टॉल। हाँ टॉल अमेरिका माउस। हाँ मेरे मिक्की माउस देखो कितना क्यूट है।
मुझे अंदर रिक्शा वाला का पहला व्यूअर मिल गया है। क्या बोला? He loved the film. Yes. और वो देखो वो सो चुकी थी। क्या? गहरी नींद में सो चुकी थी। चल इधर चल इधर सोने का टाइम है। तो एंजॉय करने आए ना, फिर एंजॉय करो। तो भाई चेरी अपने आप आगे आ गई है, उसने बोला बहुत हुआ, आधे रास्ते में आगे बैठूंगी। तो बेबी काम करो, कैंडी को मेरे को दे दो और इसको तुम पकड़ो। कैंडी को पीछे दे देता हूँ ना दीदी के पास। नहीं बैठेगी वो, तुम्हें पता नहीं है। कैंडी तो और नहीं बैठेगी है ना, कम करेगी। पापा पास जाने ओ मिलो भी दे दो। उसका भी मन करता है ना बेबी आगे बैठने का। अरे तो मन बैठने ही करता है तो बैठे ना, खड़ी क्यों है? यहाँ से कैसे निकलेंगे भाई? फास्ट ट्रैक से? नहीं, फास्ट टैग से निकलेंगे। ये ना हमारा फास्ट टैग है। ये कहाँ है फास्ट टैग हमारा? इसमें से निकलेंगे हम। ये हमारा फास्ट टैग। ये ना ये भी है। ये भी ड्राइवर तुम्हारा थक गया है तो मुझे दे दो ना। आई कैन नेवर गिव यू। ड्राइवर तो ठीक है, सवारियां क्यों थक गई है बिना बात के? थोड़ा सा मैकडी पे रुका दो। नहीं मैकडी पे रुक गए तो फिर वहाँ लंच नहीं कर पाएंगे। नहीं तो नोबडी विल गेट डाउन, ओनली यू विल गेट डाउन। बेबी डेढ़ घंटे के रास्ते में हम ढाई घंटा ऑलरेडी लगा चुके हैं। अरे हेलो, किसको बताना है, किसको वो देना जाके सबूत? अटेंडेंस लगनी है क्या तुम्हारी? तो जी फाइनली बारिश शुरू हो गई है और हम घुसते जा रहे हैं घटाओं के बीच में, पहाड़ों के बीच में। बहुत सुंदर लग रहा है, आगे जाके और सुंदर होगा ना बेबी। ये तो अभी वी आर जस्ट क्रॉसिंग। तुम यही रोक लो ना, मैं ले आता हूँ। तुम ले आते हो मतलब मेरे को वॉशरूम जाना है? ओहो, ये कैसे हो पाएगा बेबी? ये पता कैसे हो पाएगा? हाँ हम करेंगे, यहाँ ही से निकलते हैं बेबी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कार इनसाइड, गाड़ी यही रुकते हैं, दीदी बैठी हुई है, हम लोग फटाक से रुकेंगे। तुम कॉफी लेना, मैं वॉशरूम जाऊंगी और मीनवाइल दोनों लोग सेम टाइम पे वापस आएंगे। चलिए जल्दी चलो, चेरी ने दीदी के चीथड़े उड़ा दिए होंगे। दिख नहीं रही है चेरी मुझे। कॉफी इतनी है कि मुझे एक दो सिप मिल जाए। चेरी पीछे 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 पीछे। तो जी अब हम लोग बिल्कुल करीब हैं, कुछ 5-10 मिनट में पहुंच जाएंगे। और आप ये देख लो कितना खूबसूरत व्यू है, मतलब कि ऐसा लग रहा है अभी महाबलेश्वर में आ गया हम, है ना, जो हम जाने का प्लान कर रहे थे लेकिन लंबी ड्राइव की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन ये भी कुछ महाबलेश्वर से कम नहीं लग रहा। वाह, ये ग्रीनरी, ये बारिश, ये बादल, ये पहाड़, मतलब वी रियली नीडेड इट। और हमको यहाँ 2 ही दिन के लिए बुकिंग मिली है, लेकिन अगर हमें एक्सटेंड करने को मिला, मतलब अगर अवेलेबल हुआ टेंट 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए और, तो हम डेफिनेटली एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि हम तो बोरिया बिस्तरा बांध के आए गए हैं पूरे परिवार सहित। परिवार सहित, परिवार बहुत थका हुआ है। पीछे वाला परिवार भूखा है। तो जी हम लोग रास्ते में एक जगह रुक गए हैं सिर्फ 15 मिनट पहले, जहाँ हमें जाना है वहाँ से। और संभावना ये ट्यूब खरीद रही है बच्चों के लिए। बेबी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे पूल नहीं है। शायद कुछ मिल जाए, कुछ तो मिलेगा बच्चों के लिए। 200 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास अभी। 200 रुपए मेरे पास होंगे। मेरे मम्मा ने देखो आपके लिए क्या लिया है, जल्दी देखो। दिखाओ बेबी उसको, दिखाओ जरा, देखेगी। दिखाल दे, अभी गाड़ी में ही आ रहा है ना, देखना क्या है। डिक्की में जगह नहीं है भैया, तो हवा निकाल दो। हवा निकाल दो और थोड़ी सी भर के दिखा दो कैसे भर। जरा दिखाओ ना। हाँ चेरी तेरे लिए ले रहे हैं। हवा निकाल के थोड़ा सा पंप डाल के भी दिखा देना भैया। आप निकाल दो, एक सेकंड आ रही हूँ। क्या पूरी निकाल दो? नहीं नहीं पूरी निकाल दो, गाड़ी में जगह नहीं है ना, आएगा कैसे। प्रेस करो।
दिखाना जरा एक बार कैसे अच्छा है ना। मैं भी अब हवा निकल गई। हवा तो निकल गई, अब किस काम आएगा ये तुम्हें जानो, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अरे बैठेंगे ना इसके अंदर बच्चे। अरे लेकिन बैठने के लिए किस में बैठेंगे, रोड पे? अब देखेंगे कैसे बैठेंगे। चेरी डरना नहीं, आपके लिए ही है। ये हम लोग एंटर कर रहे हैं एकदम, क्या रास्ता है बेबी, बहुत ही सुंदर। बारिश भी कंटिन्यू रहने वाली है मेरा। हाँ हाँ। लेक के सामने टेंट है हमारा। हाँ है? हाँ। बताया नहीं था तुमने? बताया था। गहरी है क्या ये लेक? तुम्हें जाना है क्या अंदर मच्छी पकड़ने? नहीं नहीं, बच्चों को लेके जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, बच्चे तो हरिद्वार पहुँच जाएंगे।